अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोगों का होस्ट नवीदुर्रहमान आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है फाइव ब्रदर व्लॉग की तरफ से। आज हम आप लोगों को मेज़बान शिनवारी टिक्का एंड पेशावरी स्पेशल पुलाव, जो कि हमारे एक दोस्त का है, हम आप लोगों को इस होटल के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। हमारे साथ रहिए और आगे जो जो मनाजिर हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। आइए तो आगे चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मोहम्मद साहब, क्या हाल है जी? तबीयत ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा माशाल्लाह, आप इस होटल के आनर है मेज़बान शिनवारी के, तो यकीनन आपने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया। आपने जो फ़ैसला कर लिया, आवाम की खिदमत भी है, लोगों को खाना खिलाना ये एक तरह की इबादत है और साथ साथ हलाल रोज़ी कमाना, ये कई सारी बातें एक साथ जमा हो जाती हैं। माशाल्लाह आप आलिमुद्दीन हैं, इन सारी की सारी बातों का आपको यकीनन बहुत अच्छी तरह पता होगा, तभी आपने ये डिसीजन ले लिया होगा। अल्लाह तबारक व ताला आपके इस कारोबार में बरकत अता फरमाए। तो माशाल्लाह आपने ये जो सारी सेटअप बनाई है, ये जो तरतीब बनाई है, इसके हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह करें। और साथ आप जो यहाँ प्रोडक्ट तैयार करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो यहाँ शिनवारी लोगों को खिलाते होते हैं, तो इसकी क्या तरतीब है? ये आप लोग ने यहाँ कोई अपना फार्म रखा हुआ है या कि आप लोग बाहर से बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद आप लोग तैयार करते हैं? और इसी तरह जो कुछ आप तैयार कर रहे होते हैं, तो उनकी जो मतलब एक डिश आप तैयार करते हैं, तो उसकी क्या प्राइसेस है? एक किलो के हिसाब से, दो किलो के हिसाब से, तो ये सारी की सारी तरतीबात से आप हमें साथ साथ आगाह करिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो बिल्डिंग के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, ये तो हमारे पास रेंट पे है जी माशाल्लाह, दो से ढाई लाख रुपये तकरीबन इसका हम महीने का देते हैं माशाल्लाह। ठीक ठीक। और उसके साथ जो है आगे रही बात उसकी, तो हमारे ओपनिंग की, तो ये हमारी जनवरी फर्स्ट में हमारी ओपनिंग हुई है, पाँच छः से सात माह हमारे तकरीबन ओपनिंग के हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, न्यू भी है और काफ़ी लोग आते हैं। जो लोग भी आते हैं, पहली दफ़ा अक्सर कस्टमर आते रहते हैं हमारे पास, तो मुतमिन होकर जाते हैं, तो उनकी हमारी सर्विस को देख कर भी और माहौल को देख कर भी और सेटअप को देख कर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो ख़ुद उनकी अपने मुँह से वो बातें करते हैं, हमारे इसमें कोई वो बताने की बात नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि साथ आगे प्रोडक्ट की बात आगे, जैसे हमारे जितने भी खुराक का सिस्टम है, खाने पीने के लिहाज से हो गए, गोश्त के लिहाज से हो गए, पुलाव के हवाले से, तो हम बाहर से अल्हम्दुलिल्लाह लाते हैं। इधर गुजर खान से मंडी है हमारे, उधर से ज़बा खाना इधर सदर में और इसी तरह एक सुहाडे में, तो इनसे वक्तन फ़वक्तन हम माल लेते रहते हैं डेली के रोज़मर्रा के अतबार से। तो चले नाज़रीन हम अंदर जाते हैं और अंदर इनकी जो बाकी सारा का सारा सेटअप है हम आप लोगों को वो भी दिखाते हैं और साथ मज़ीद इनसे कुछ बातें जानेंगे, तो इंशाल्लाह आगे देखते रहिए, आप हमारे साथ रहिए जी। नाज़रीन ये सारी की सारी इब्तदाई बातें जैसा कि आप लोगों को हमने बता दी, अब हम होटल के अंदर जाएंगे और आप लोगों को मुख्तलिफ मनाजिर दिखाएंगे। देखिए जी, ये हमारे भाई बैठ के पानी पी रहे हैं और इसी तरह रियाज साहब साथ खड़े हैं। नाज़रीन ये अगर किसी के साथ फैमिली हो तो माशाल्लाह इन्होंने उसके लिए पूरे पर्दे का इंतज़ाम बाकायदा बड़ी ज़बरदस्त तरतीब की हुई है जी। ये वो साइड है, बाकी इनकी सफाई सुथराई ये चीज़ें चेक कर लें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आगे जाकर आप लोगों को हम इनके जो और एरियाज़ है या जो कुछ, ये देखे जी भाई सफाई कर रहे हैं। हाँ ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह के टाइम ये सफाइयाँ शफाइयाँ होती है, तो माशाल्लाह इनका ये इनकी सफाई वाला सिस्टम भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक एक फैमिली के लिए ये पूरी पूरी इन्होंने एक कमरे नुमा जगह जगह बनाई है, तो मतलब खाना खाना भी और पूरे उसके साथ महफूज तरीक़े के साथ। ये हम पहुँचे जी
उनका जहाँ फ्रीज़र पड़े हुए हैं ये बोतल यख ठंडे पानी के बोतल, ये ज़बरदस्त सिस्टम है जी। माशाल्लाह सफाई का इंतज़ाम इनका बड़ा ज़बरदस्त है, देखकर खुशी हुई और पसंद भी आ गया। अब हम वापस जाएंगे और हमारे जो दूसरे भाई रियाज साहब है हम उनसे जानेंगे और वो हमें कुकिंग एरिया की तरफ भी ले जाएंगे और हमें दिखाएंगे कि आया ये चीज़ें ये तैयार कैसे करते होते हैं, ये सारी की सारी बातों से वो हमें आगाह करेंगे। ये है जी मेन्यू बुक इनका, ये आप चेक करिए जी मेन्यू बुक, यानी अगर कोई कुछ ख़रीदना चाहता है तो किस तरतीब से कौन सी डिश कितने कीमत की है कितने पैसे हैं उनके, ये सारी की सारी इन्होंने लिखी है। ये सारी की सारी चीज़ें फ्रंट पे डिस्प्ले भी किए जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और इसी तरह इनसे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर वगैरह भी हम शेयर करेंगे साथ। आलिम दीन बनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंसान मस्जिद और मदरसा संभाले, बल्कि हलाल रोज़ी कमाना ये ऐन इबादत है। वो इंसान किसी भी सूरत में वो कमाए तो बेहतर है। तो माशाल्लाह आप लोगों ने ये जो सेटअप बनाया हुआ है फिदा मोहम्मद साहब ने और आपने, तो बहुत अच्छा लगा। तो आप हमें ज़रा मज़ीद डिटेल से आगाह करिएगा और कुकिंग एरिया तक आप हमें लेके जाए और हम मज़ीद वहाँ चीज़ें देखेंगे। ठीक है जी नाज़रीन, तो अभी हम जा रहे हैं कुकिंग एरिया तक और उधर भी आप लोगों को वहाँ की जो तरतीबात है हम आप लोगों को उससे भी आगाह करेंगे। ये पहुँचे जी हम कुकिंग एरिया तक, माशाल्लाह यहाँ गरम गरम पराठे बने हुए जी, ये अभी इनका सुबह नाश्ते का टाइम है। ठीक ज़बरदस्त, ठीक माशाल्लाह जी। नहीं नहीं नाज़रीन आप देखिए, ठीक ठीक ठीक, अस्सलाम वालेकुम, सलाम क्या लेते हैं, ठीक है चलो फिर। नहीं नहीं सर भी माशाल्लाह ही भाई, अच्छा माशाल्लाह ही कढ़ाई पकाता है, ठीक ठीक ठीक, जायका जो है माशाल्लाह जब एक बार खाते तो बार बार आते हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त लाजमी बात है। देखिए ये तो ट्रस्ट और एतमाद की बात होती है और कस्टमर को एतमाद में लेना पड़ता है। ठीक ज़बरदस्त नाज़रीन आप देख लीजिए, ये आयल गर्म हुए ठीक है और अभी सुबह का टाइम है, अगर शाम का टाइम होता तो यहाँ ज़बरदस्त, ठीक ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक ज़बरदस्त, हाँ हाँ साफ सुथरा माहौल है, कोई गंद वगैरह नहीं है, पेशावरी पुलाव ठीक काम करते हैं ज़बरदस्त, बस निज़ाम चल रहा है, अल्लाह ताला चला रहा है, ठीक हर बंदा आता है खाना खाता है खुश होकर वापस जाता है, दुआएं देता है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है खुली जगह है, पार्किंग है माशाल्लाह गाड़ियों के लिए, ठीक जबरदस्त फैमिली आती है जहाँ से भी आती है इंशाल्लाह हम उनको वेलकम करते हैं, खुशमदीद कहते हैं रेस्टोरेंट पर, और बिल्कुल खुली पार्किंग है, साफ सुथरे माहौल है जबरदस्त, पानी की सहूलत मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, मस्जिद मौजूद है माशाल्लाह, नमाज आदि की सारी चूल्हों पर हंडिया नजर आती। ठीक है आइए रियासत तंदूर की तरफ चलते हैं, जी तो गाइस आप कैसा महसूस कर रहे हैं जी, ये अभी दूसरा एरिया हम आपको दिखाने, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ठीक ठीक माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, ठीक ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक 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 ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह जी, ये तंदूर एरिया है ये जी, माहौल तो माशाल्लाह आप लोगों ने क्या ज़बरदस्त, ठीक 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 ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बहुत बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। जी तो नाज़रीन आप लोगों ने यकीनन देख के इंजॉय किया होगा और मेज़बान शिनवारी होटल एंड टिका हाउस जो रवात वतीम अस्पताल टीचर रवात इस्लामाबाद, ठीक है तो मेन रोड के ऊपर है ये लोकेशन और यकीनन आप जब आएंगे तो आप इनकी बाकी टेस्ट वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें और इनकी जो खानों के अंदर जो एक जायका होता है और एक माशाल्लाह एक कशिश होती है
कि एक बार इंसान का आए तो उसके बाद वो बार बार आए, तो ये सारी की सारी चीज़ें इनके अंदर वो पाई जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं मोहम्मद रियाज साहब कि आप लोग भाई ऑर्डर भी पहले से डिलीवरी हमारे पास फुल कर देते हैं डिलीवरी पे, तो हम उसके लिए ऑर्डर तैयार करते हैं तो फिर हम यहाँ से पास से मौजूद है साथ ही चले जाते हैं बाइक पे लेकर तो पहुँचा देते हैं। ज़बरदस्त डिलीवरी मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो नाज़रीन मैं भी यही वैसे इनसे पूछना चाह रहा था कि अगर डिलीवरी तरतीब इनकी हो, क्योंकि अक्सर बाज़ लोग जो बड़े लेवल के लोग होते हैं वो यहाँ दिल्ली टाउन के, तो फिर वो फ़ोन कर देते हैं ज़बरदस्त उनके घर तक पहुँचा देते हैं, डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ठीक ठीक है नाजरीन, इनका जो ऑफिस नंबर है हम वो भी डिस्प्ले करेंगे और साथ इस भाई का नंबर भी, तो ये हमारे रियाज भाई है। ठीक है, तो इनसे आज मुलाकात होकर बड़ी खुशी हुई और आप लोगों को भी हमने जो कुछ देखा सुना आप लोगों को भी उससे हमने आगाह कर दिया, दिखाया ये सारा कुछ। तो अपने दोस्त नबीदुर रहमान को आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।